आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर ये कि ड्रग्स जांच मामले में अब ये बड़ी खबर मिल रही है कि एनसीबी को मिले फॉरेंसिक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है करण जौहर के घर हुई पार्टी के वीडियो को लेकर कि इस वीडियो में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। 28 जुलाई 2019 को करण जौहर के घर पर एक पार्टी हुई थी और उस पार्टी का ये वीडियो जिस पर एनसीबी अब आगे की रणनीति क्या बनाएगी ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन अब देखिए ये तो साफ हो गया है कि ये वीडियो सही है, किसी भी तरह से इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। हमारे साथ प्रमोद शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रमोद, फॉरेंसिक रिपोर्ट से बड़ा खुलासा कि वीडियो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। जी बिल्कुल, ये वायरल वीडियो जब एनसीबी को दिया गया था मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से और शिकायत की गई थी, उसके बाद सबसे पहले इस वायरल वीडियो की सत्यता की जांच के लिए इसे फॉरेंसिक लैब में भेजा गया था और उस फॉरेंसिक लैब की अब रिपोर्ट जो है एनसीबी को मिल गई है, जिसमें ये साफ किया गया है इस वीडियो के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, कोई भी ये एडिटिंग इसके साथ नहीं की गई है। तो ये वीडियो उसकी और फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है एनसीबी को मिल गई है और अब एनसीबी के जो एसआईटी हेड है केपीएस मल्होत्रा और जो डीडीजी हैं मुंबई जोन के अशोक जैन, वो जो डीजी हैं राकेश अस्थाना, उनके साथ मुलाकात करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। क्योंकि इस वीडियो में 10 से 12 फिल्मी सितारे पार्टी करते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन कहीं से भी वो ड्रग्स लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं और ना ही उस कोई ड्रग्स की रिकवरी है। तो ऐसे में सबसे पहले उनको ये एविडेंस जो है एविडेंस कलेक्शन का वो काम होगा कि उस पार्टी के अंदर ड्रग्स का कंजप्शन हुआ था नहीं हुआ था क्या था, तो सारे सबूत जुटाने के लिए एक अलग रणनीति तय करने के लिए ये मीटिंग होगी। और कुछ सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि या तो दिल्ली यहाँ से टीम जाएगी या फिर वो जो डीजी राकेश अस्थाना है वो मुंबई आ सकते हैं और मीटिंग लेने के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। क्योंकि यहाँ पर एनसीबी के सामने मुश्किल वीडियो सही है, पूरी तरह छेड़खानी नहीं हुई है, लेकिन अब एनसीबी इसके सहारे इस जांच में इसे कैसे शामिल करेगी या फिर आगे क्या करती है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रमोद। तो लगातार अपडेट जी न्यूज पर आप देख रहे हैं, छोटा सा ब्रेक। प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।